कर्नाटक के 28 वर्षीय श्रीनिवास गौड़ा ने पिछले दिनों भैंसा दौड़ में 13.62 सेकंड में 142.50 मीटर दूरी तय कर 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतने कम समय में दौड़ लगाकर वह कर्नाटक के पारंपरिक खेल में अब तक के सबसे तेज धावक बन गए हैं। वहीं ट्विटर यूजर्स दावा कर रहे हैं कि श्रीनिवास नामक युवक ने इस दौड़ में 142.50 मीटर की दूरी 13.62 सेकंड में पूरी की। इसका मतलब हुआ कि उसने 100 मीटर की दूरी सिर्फ और सिर्फ 9.55 सेकंड में पूरी की। गौरतलब है कि विश्व प्रसिद्ध एथलीट उसेन बोल्ट ने 100 मीटर रिले दौड़ 9.58 सेकंड में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 28 साल के श्रीनिवास के लिए यह रिकॉर्ड तोड़ने का दावा किया जा रहा है। वहीं श्रीनिवास की तुलना बोल्ट से भी की जा रही है। आपको बता दें कि श्रीनिवास कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मोड़ाबिद्री इलाके का रहने वाला है। ट्विटर यूजर्स के दावे के मुताबिक श्रीनिवास ने यह रिकॉर्ड एक भैंसा दौड़ाने में बनाया, जिसे कम्बाला नाम से बुलाया जाता है। यह दौड़ पानी से भरे धान के खेत में आयोजित की जाती है। जीतने के बाद श्रीनिवास ने कहा कि पारंपरिक खेल में रिकॉर्ड बनाकर मुझे काफ़ी तारीफें मिल रही हैं। मुझे कम्बाला पसंद है, इसका श्रेय मेरे दोनों भैंसों को जाता है। वे बहुत तेज दौड़े और मैं उनके पीछे लगातार दौड़ता रहा। वहीं बोल्ट से तुलना पर श्रीनिवास ने कहा कि कुछ लोग मेरी तुलना महान उसेन बोल्ट से कर रहे हैं, जो गलत है। उसेन बोल्ट एक चैंपियन है। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैं कर्नाटक के श्रीनिवास गौड़ा को साई के टॉप कोचों से ट्रायल के लिए कॉल करूंगा। आमतौर पर एथलेटिक्स में ओलंपिक के लिए मानकों के बारे में लोगों में ज्ञान की कमी है, जहां अंतिम मानव शक्ति और धीरज को पार किया जाता है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि भारत में कोई भी प्रतिभा बिना छोड़े नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात वार्ता। जितना हो